हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटीज़। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ मुशकपुर की टिक्के के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको मुशकपुर की टिक्की के फ़ायदे नुकसान बताने जा रही हूँ, लेकिन एक ये सुनी सुनाई बात नहीं है। मैं जो फ़ायदे बताने जा रही हूँ वो मैंने खुद आजमाए हुए हैं, किए भी हुए हैं, देखे भी हुए हैं। तो मैं आज वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपको पता ही है कि मुशकपुर की ये टिक्की होती है, ठीक है। दो तरह का मुशकपुर होता है, एक तो केमिकल से बनता है, एक पेड़ों से निकलता है। और ये छोटी सी टिक्की, आप सोच भी नहीं सकते टिक्की आपके कितने काम आ सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुशकपुर पूजा के अंदर काम आता है। पूजा के अंदर अक्सर आपने देखा होगा, जब हम लोग हवन करवाते हैं ना, तो सबसे पहले मुशकपुर मांगा जाता है। इसको हवन में रखते हैं क्योंकि ये आग को बहुत जल्दी से पकड़ लेता है। ये देखो आप, ये टिक्की है, चौरस ऐसी टिक्की होती है, तो आप सबने देखी होगी। तो पूजा के अंदर तो इसे यूज़ किया ही जाता है। उसके बाद सिर के अंदर डेंड्रफ हो जाए अगर, तो मुशकपुर को हम नारियल के तेल में डाल के सिर में लगाते हैं। आपने देखा है कि सिकरी हो गई है, सिर में सिकरी ठीक हो जाती है। उसके बाद जुएं पड़ जाती हैं किसी के सिर में, इससे वो भी ठीक हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारे चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं तब भी हमें मुशकपुर प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एक नेचुरल सी चीज़ है जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो नारियल के तेल के अंदर इसको हल्का सा डालने, पाउडर बना के डाल के उसको हल्का हल्का इस टिप्स के साथ अपने पिंपल्स पे लगाएं, तो आपके पिंपल्स भी ठीक हो जाते हैं। और तो और मैंने जो आजमाया है, घर के अंदर अगर मच्छर ज़्यादा है, मुशकपुर की टिक्की को अगर हम घर में जला देते हैं डेली, तो मच्छर भी भाग जाते हैं। इसके बाद वास्तु के मुताबिक भी, घर में जैसे सुख शांति नहीं है या कोई काम नहीं हो रहा या हम मेहनत करते हैं हमारा काम नहीं होता, इस टाइप से मतलब जिससे पॉजिटिविटी घर में आती है, तो एक कटोरी के अंदर मुशकपुर और लौंग लेके इसको हम जलाते हैं, तो उससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। तो ये तो हो गए फायदे। और भी इस तरह से कई मुशकपुर के कई तरह के फायदे हैं, छोटे 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 बहुत ही, मतलब ओवरऑल जो कहते हैं कि मुशकपुर जो है खारिश के लिए, शरीर पे जैसे खारिश होती है उसके लिए भी, कईयों को रेडिश जैसे एक वो बन जाते हैं ना छाले छाले, तब भी हम उसके अंदर लगा के नारियल के तेल में लगा के उसको लगाते हैं, तो वो हमारे फर पड़ जाता है, ठीक हो जाती है। तो इसी तरह से मैंने बहुत यूज़ किया है मुशकपुर। मेरी अपनी एक नेचर है कि मैं क्या करती हूँ, नारियल का तेल लिया, उसके अंदर मुशकपुर की टिक्की को डाल दिया, जैसे डब्बी, ये नहीं कि अलग कटोरी में, नहीं, मैंने एक डब्बी जैसे नारियल के तेल की ली हुई है ना, तो उस तेल के अंदर मैंने दो टिक्की मुशकपुर की डाल दी, ठीक है, वो डिजॉल्व होती रहती है। तो सर्दी के अंदर जैसे नारियल का तेल तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे अपनी बॉडी पे लगाते हैं, तो वही नारियल का तेल मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, उसके अंदर ऑलरेडी सारे तेल के अंदर मुशकपुर होता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये तो आपने फ़ायदे देख लिए, इस तरह के फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा रहता है, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, मैं अक्सर शाम को इसे घर में जलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक फ्रेशनेस सी रहती है। लेकिन इसका जो नुकसान है मेन, इसको बच्चों से बचा के, क्योंकि टैबलेट सी होती है ना छोटी सी, जैसे स्क्वायर सी आपने देखी है टिक्की, बड़ी सुंदर सी होती है, तो बच्चों को नहीं पता होता कि ये टिक्की क्या है, कई बार बच्चे गलती से मुँह में डाल देते, तो एक जहर भी होता है बच्चों के लिए, तो अगर ये बच्चे निगल लेते हैं तो लेने के देने पड़ सकते हैं भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडी जो है उसके लिए भी थोड़ा सा हार्मफुल होता है, उसको भी थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, छोटे बच्चे को बच के रहना चाहिए। उसके बाद इसको डिब्बे में बंद करके रखना चाहिए, पैकेट ऐसे रखो दूर थोड़ी, आग वाली जगह पे नहीं रखो, क्योंकि आग बहुत जल्दी पकड़ता है। तो ये इसके थोड़े से नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं मैं कह सकती, इस चीज़ के फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान गिनती चुनती है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की अपडेट्स आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, और आप ऐसी इजी जो रेमेडीज़ हैं या जो टिप्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आपके काम आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।